दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35A कश्मीर से हटाए जाने के बाद पूरा भारत अब गौरवान्वित महसूस कर रहा है और साथ ही अब पूरे भारत में एक ही कानून, एक ही तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, ये भारत के लिए तो काफ़ी बड़ी बात है और ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन शायद ये पड़ोसी मुल्क को सीधा दिल पर जाकर लगी है। तभी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के दो सहयोगी देश मलेशिया और तुर्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष से फ़ोन पर बात की। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भारत के इस कदम को अवैध करार दिया और कहा कि इससे क्षेत्र की शांति नष्ट हो जाएगी। इमरान खान ने मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद से कहा, भारत के इस कदम से दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंध और बिगड़ेंगे। इस पर मोहम्मद ने कहा कि उनका देश कश्मीर की स्थिति पर बराबर नज़र बनाए हुए हैं, वह पाकिस्तान के संपर्क में रहेगा। और उसके बाद इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन से भी फ़ोन पर बात की और एर्दोगन ने भारत अधिकृत कश्मीर में बिगड़ते हालात पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान को भरोसा दिया कि उनका देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, भारत को फिलहाल किसी भी देश के इस प्रकार के बयानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भारत काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की इस बौखलाहट का भी वो सही से जवाब देगा। अब तो भारत आने वाले समय में POK पर भी कार्रवाई करेगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। यानी कि अब पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब मोदी सरकार हर मोर्चे पर दे रही है, चाहे वो कूटनीतिक तरीका हो या फिर कोई सीधा सरल तरीका। पाकिस्तान को हर कड़ी में मोदी सरकार ने अब की बार चुनौती देकर दिखा दिया है कि भारत एक संपूर्ण देश है और उसके जैसा शायद विश्व में कोई नहीं, और भारत एक शक्ति बनकर उभर रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।